हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज वापस एक बार हम आए हैं डेस्टिनेशन मोटो, हमारे साथ है मनीष जी और एक ये चीज़ भी हमारे साथ है, डोनट। इसका मतलब हम आज करने जा रहे हैं एक वीडियो एक हेलमेट के बारे में। कौन सा हेलमेट है, किस तरह का हेलमेट है, सब जानेंगे इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो आज एक स्पेशल हेलमेट है, इसके पहले वाले मॉडल का हमने डिटेल वीडियो किया है, वो आप यहाँ पर आई बटन में देख सकते हो। वो था LS2 का FF800 Storm 2 के बारे में, और आज भी हम LS2 के हेलमेट का ही वीडियो करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मनीष सर हमको डिटेल में जानकारी देंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसका बॉक्स काफ़ी हेविली बिल्ट है, बॉक्स की क्वालिटी देखकर आपको पता चल जाएगा। तो ये है बॉक्स, अभी इसके आगे की जानकारी देंगे मनीष सर, आपके हाथ से ओपन करते हैं बॉक्स। यस, सो दिस इज LS2 FF811 सीरीज, वेरी रिसेंटली लॉन्च सीरीज है। इसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले तो मैं आपको हेलमेट दिखा देता हूँ। प्रीमियम क्वालिटी कुशन, प्रीमियम क्वालिटी बॉक्स। आई थिंक ये जो है वो FF800 को भी सेम ही आ रहा है, राइट? यस, ये ज्यादातर LS2 के प्रीमियम हेलमेट्स में अच्छा खासा क्वेश्चन लोग देते हैं। एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ये जो इसका जो इनर साइड है हर एक कवर का, कोई भी ब्रांड का हो, दैट इज यूज्ड टू क्लीन द वाइजर। मतलब exactly. आपको अलग से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेने की जरूरत नहीं है। मैं वही आपको ये चीज बोलने वाला था कि इसका उपयोग काफी ज्यादा है, तो गाइस सो प्लीज सेव इट। सो दिस इज द हेलमेट, कमिंग इन लॉट ऑफ ग्राफिक्स। आपको ग्रे कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, नियॉन कलर चाहिए, अवेलेबल रहेगा मार्केट में, वो आ चुका है। अलॉन्ग विद दैट, इसमें फीचर्स के बारे में अगर बोला जाए तो ये आता है फाइबर कॉम्पोजिट मटेरियल के साथ। आपको अभी वीडियो में तो हम लोग वजन ऐसे बोल के नहीं समझेगा आपको कि ये इतना लाइट वेट exactly. है, क्योंकि क्या है वो एक्चुअल में, आप जब भी कहीं पे भी जाके आप या फिर हमारे यहाँ पे आप अगर आके ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिक फीचर्स के बारे में बोला जाए तो ये आता है EC रेटिंग के साथ। अगर सेफ्टी के बारे में बोला जाए, इसका रेटिंग जो है EC 22.06 है। ये इधर यहाँ पर रखा है, दिखेगा EC 22.06, that means it is very recently manufactured. Along with that, इसमें आता है BIS standard भी, यानी कि ये हेलमेट अभी के लिए या फिर यहाँ से आगे इंडिया में स्ट्रीट लीगल होगा किसी भी स्टेट में। okay. हाल ही में हमें सुनने में आया था कि कुछ स्टेट में पुलिस आर कैप्चरिंग पीपल कि आपके हेलमेट में ISI मार्क नहीं है, बट इसमें ISI मार्क भी आएगा। दिस इज ऑफिशियली इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। ओके, यस। इसके अलावा इसमें आएगा, ये तो जो वाइजर होता है वो यहाँ से, यहाँ के बटन से खुलता है टू मेक यूज ऑफ इट। टूरिंग हेलमेट है, इसको डबल वाइजर भी है, डबल वाइजर आएगा इसके साथ में। गाइज इसका मैकेनिज्म यहाँ पर है, डबल सन वाइजर का, ये आप आगे की तरफ नहीं, ये थोड़ा पीछे की तरफ, आपको यस, और ये ऐसे नीचे आ जाएगा। यस, और सन वाइजर की क्वालिटी भी काफी अच्छी दिख रही है। क्वालिटी अच्छा है, हेलमेट अगर प्रीमियम है तो आपको विजन भी काफी अच्छा सारा मिल जाता है, वेरी क्रिस्टल क्लियर विजन। आपको ज्यादातर मामलों में पता ही नहीं चलेगा कि वाइजर ओपन है कि क्लोज्ड है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो वो एक एक्चुअल डेंजरस पॉइंट हो सकता है। यस यस यस, और टूरिंग वाइजर है, इसकी वजह से ये हेलमेट जो है ये आता है स्पीकर पॉकेट रेडी। एंटी फॉग फिल्म भी इसमें दिया हुआ है, पिनलॉक मैक्स विजन 120 का दिया हुआ है, मतलब एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। पिनलॉक, अभी मुझे याद आया कि this is the biggest pinlock a company have ever provided, which is also included in the price. Price, yes. इसके अलावा और एक चीज आती है, इसमें आपको जो उसका वाइजर मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली हाथ से नहीं खुलता, यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक एलन की फॉर दैट, जो हेलमेट के साथ में आता है आपसे। ये यहाँ पर है, यस एक्चुअली, और यहाँ पे उसका आप मैकेनिज्म देख सकते हो आसानी से। It's actually very simple, क्योंकि यार वो बटन दबा उसके बाद में वाइजर बाहर आएगा, वो टूटने का चांस ज्यादा होता है। मेरा एक बार टूटा है। Yes, it usually happens, या फिर कुछ कुछ हेलमेट में दिक्कत काफी आती है खोलने में। पर सर, it's so basically जो FF800 था उसकी शेल टेक्नोलॉजी थी KPA, ये आती है फाइबर कॉम्पोजिट शेल। ओके, यहाँ पर ऐसे लिखा है कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट शेल। यस, ओके ओके, एक्चुअली वजन में तो कुछ मुझे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, वो आपको हेलमेट पहनने के बाद ऑनेस्टली समझ में आएगा। एग्जैक्टली, पर कुशन की क्वालिटी मुझे ज्यादा अल्ट्रा प्रीमियम, ये डबल डबल
क्वालिटी का है, डबल हाई क्वालिटी आप इसको बोल सकते हैं, काफी प्रीमियम, काफी कंफर्टेबल है। उसके अलावा इसका रैचेट मैकेनिज्म भी अगर आप देख सकते हो तो ये काफी स्पेशल है। ओके आपको ऐसे यहाँ से खुलता है वो। सो गाइस ओपन इट प्रॉपर्ली, प्लीज नोट वन थिंग, ये डबल डी रिंग के साथ नहीं आता है, रैचेट के साथ। यस द मॉडल इज FF811, ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ में और एक चीज आती है, वो बक्से में है, वो मुझे हैंड ओवर कीजिए। यस 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 यस, ये लो। ये आता है नेक सपोर्ट कुशन, काफी सारे प्रीमियम ब्रांड्स में ही ये आता है। नेक सपोर्ट कुशन क्या होता क्या है? पर वो टूरिंग के समय आपको काम में आता है। okay. वो जो मोस्टली ये चीज जो है वो ज्यादातर फॉर्मूला 1 की राइड्स में यूज होती है। okay. बट अगर आप ज्यादा लॉन्ग राइड के लिए यूज कर रहे हो तो आप इसको, मतलब इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि टूरिंग करते समय हम लोग या फिर ट्रैवल करते समय फ्लाइट में जो नेक सपोर्ट आता मतलब ये आपको फॉर्मूला 1 का फील दे देगा, फॉर्मूला 1 का फील दे देगा विद द कंफर्ट ऑन द बाइक, ऑन द बाइक, ऑन द बाइक। यस, उसके अलावा जैसे कि FF800 में था, इसमें आपको आई ग्लासेस फिट भी आएगा, मतलब इफ यू आर विलिंग टू वेयर योर ओन सनग्लासेस और जस्ट द ग्लासेस स्पेक्स, उसको आप पहनने में आसानी होगी। द हेलमेट इज कंपैटिबल टू दैट एज वेल। मैं तो इसका ग्राफिक्स देख के ही मैं पागल हो गया। yes, इसमें और रेड कलर भी आता है। वेरी, और सर इसमें ग्राफिक्स के कितने टाइप्स आते हैं? इसमें फिलहाल हमारे पास 3 कलर्स अवेलेबल है। ओके, दिस इज टाइटेनियम ग्रे एंड नियॉन, द अनदर वन इज टाइटेनियम ग्रे एंड रेड, एंड थर्ड वन इज द ब्लैक एंड व्हाइट इन ग्लॉस फिनिश। ओके ओके, ऐसे आता है। ये है मैट फिनिश जैसे कि आप देख सकते हो, तो आपको काफ़ी ऑप्शंस इस मॉडल में अवेलेबल है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप शॉप पर आओ, शॉप का मैं गूगल का लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोई ऐसी खास बात जो स्टैंड आउट करती है इस हेलमेट में? इस हेलमेट में बेसिकली आप अगर मुझे पर्सनली पूछेंगे, आजकल बाहर के जो हेलमेट से वो ब्लैक में काफ़ी आ रहे हैं मार्केट में, राइट? टू बी ऑनेस्ट, वो हेलमेट का जेन्युइननेस कितना है वो भी किसी को मालूम नहीं है। That's true. Like we are also getting queries, या फिर sellers भी हमें contact कर ले कि आप ये brand का helmet रख लीजिए, ये सबका favorite है, आराम से ये high price में मिल जाएगा। पर ऐसी बात नहीं है, आपको within उसके वो helmet की जो ongoing price है, से suppose AGV का helmet जो है 32,000 का भी sell हो रहा है black market में, तो ये आपको within 20,000 की range में काफी अच्छा सारा helmet आपको मिल जाएगा। Touring helmet है, double visor है, 32,000 में आपको AGV तो मिलेगा और वो AGV का बेसिक हेलमेट होगा। पर ये जिन्होंने, जिनका बजट थोड़ा सा हाई है, वो ये हेलमेट यस वाकई में कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ गुड वन, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। यस, पर जिनका बजट उतना नहीं है उनके लिए तो अपना FF800 स्टॉर्म 2 तो है ही। एब्सोल्युटली। तो गाइज आपको ये हेलमेट कैसा लगा प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, और किसी के साथ करते हैं इस बेहतरीन और खूबसूरत ब्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल विच इज ऑफ कोर्स फिट ऋषि व्लॉग्स। मिलता हूं अगले व्लॉग में, अंटिल देन चाओ।